नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। ये खास इसलिए है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सिराज की। वो ना सिर्फ एक खास क्रिकेटर हैं बल्कि एक खास इंसान भी। कल उन्होंने पूरी लंकन बैटिंग को एक तरह से ध्वस्त कर दिया। सिराज ने कल एक मैच में कई रिकॉर्ड्स बनाए। वो एशिया कप के फाइनल में 6 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। उन्होंने एक ही मैच में सिर्फ 16 गेंदों में 5 विकेट्स लेकर चमिंडा वास और अली खान के रिकॉर्ड की बराबरी की। पर इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारत को एशिया कप रिकॉर्ड 8वीं बार जिताया। ये एक परिकथा जैसी लगती है, पर इस मुकाम पे आने के लिए इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत, उनका दृढ़ निश्चय और उनका कभी ना हार मानने वाला एक एटीट्यूड है। इसी बारे में हम बात करना चाहते हैं और मोहम्मद सिराज की इस परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी राकेश राव, वरिष्ठ पत्रकार, और जसविंदर सिंधु। राकेश राव, सबसे पहला जो आपसे सवाल है वो ये है कि कल का जो उनका प्रदर्शन था, एक बहुत ही लंबे एक तरह से उनका जो पूरा का पूरा जर्नी रही है, उस जर्नी के बाद एक परफॉर्मेंस आया है, ये कितना मायने रखता है उनके लिए और उनके सारे उन्होंने जिस तरह से ये जर्नी जी है, उस पूरी जर्नी के बारे में आप एक बार बताइए। मेरी राय में सिराज को ये जो रिवॉर्ड जो मिला है, ये जाहिर सी बात है कि मेहनत हर बॉलर करता है और कल उनका दिन भी था। अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, नो डाउट, लेकिन मैं इसको इस पर्सपेक्टिव में मैं नहीं देखूंगा कि ये उनका एक मतलब एक रिवॉर्ड है ये, क्योंकि वो हमेशा उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। जैसे ये नहीं था कि कल उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा डाला, उन्होंने अपना प्लान सिंपल किया। कल सिर्फ ये देखिए, जैसे दो चीजें हुई कि जहां पे उन्होंने जो चाहा कल वो हुआ भी। देखिए, कितनी बार ऐसा भी होता है कि एक बॉलर एजेस निकलवा देता है, कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, बॉल अंदर लाता है तो बैट्समैन उसको डिफेंड कर जाता है। आप यॉर्कर लेंथ की गेंद डालते हैं, वो बैट्समैन उसमें यॉर्क नहीं होता है, वो उसको या तो आगे निकल के आता है, उसको फुल टॉस भी बना सकता है, कुछ भी हो जाता है मतलब। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि जैसा गेंदबाज चाह रहा था लगभग वैसा होता चला गया। इसलिए हमको ये परफॉर्मेंस ऐसे लग रही है कि 50-50 ओवर का मैच 50-50 रन में खत्म हो गया। ये इसलिए भी है कि एक बॉलर को देखिए, कितने स्ट्राइक बॉलर्स ऐसे होते हैं जिनको एक बार वो रिदम मिल जाता है ना, तो वो बिल्कुल टेर अवे, बिल्कुल मतलब जैसे पूरी इनिंग्स में जैसे है ना, बिल्कुल निकल जाता है उसको, बिल्कुल क्राइस, बिल्कुल दूसरी टीम के पास फिर रिपेयर जॉब के लायक कुछ बचता नहीं, तोड़ फोड़ हो जाती है इतनी ज्यादा कि आप उस टीम को फिर बचा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए उन्होंने 12 रन पे, जैसे हमने जैसे देखा कि नहीं, उनके 5 आउट हो गए, 18 तक आते आते 6 आउट हो गए। उसके बाद अगर आप सोचते हैं कोई टीम रिकवर करेगी, उनके पास मान लीजिए मेंडेस सब भी खेल रहे हो, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? आप मतलब टेल से, क्योंकि आपने दोनों कानों के बीच में जो प्रहार कर दिया है, अब उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। कल सिराज ने वो किया और ये मैं मानता हूं कि सिराज एक बेहतरीन बॉलर है, बहुत मेहनत करते हैं। जैसे मैंने आपको शायद कल भी मैंने शायद इस बात को मैंने कहा था कि मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि जो इंसान इतनी मेहनत करता हो और उसे पूरा क्रेडिट ना मिले, लेकिन कल ऐसे नहीं हुआ। कल पूरा का पूरा क्रेडिट उनको ही मिला, कोई शेयर करने लायक बचा नहीं। कोई कहेगा कि भाई जसप्रीत बुमराह ने वो शुरुआत की, हार्दिक बुमराह ने मतलब हार्दिक ने खत्म किया और बीच में जो किया इसने किया, सही बात है, लेकिन आप क्रेडिट दीजिए उस गेंदबाज को जो कि एक उसकी भूख नहीं मिट रही है, वो बिल्कुल जितनी एनर्जी के साथ उसने की है। मैं सोच रहा था कि वो शायद 10 ओवर का स्पेल डाल देगा, मतलब इतना उसमें था कल कि वो। रोहित शर्मा ने भी यही बात कही थी कि रोहित शर्मा ने भी यही बात कही थी कि वो चाह रहे थे कि वो 7वां ओवर डालें और बाकी के टीम वालों ने मना किया कि आप जो है वो लगातार 7 ओवर्स मत डालिए, ना डालें आप। जसविंदर जी, एक राकेश राव क्रेडिट की बात कर रहे थे, एक तरह से उन्होंने जो है अपना जो क्रेडिट था वो ग्राउंड स्टाफ को दे दिया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, बहुत अच्छा ये जेस्टर है कि आप जो ग्राउंड स्टाफ ने जो 5-6 जो कैंडी में भी और यहाँ भी जो इतनी दिक्कत थी उसके बावजूद ग्राउंड को तैयार किया और इसका क्रेडिट बेसिकली इस मैच जो हुआ है फाइनल, इसका एक क्रेडिट उनको भी जाता है। सिराज की बॉलिंग ने 6 विकेट जरूर लिए, लेकिन अगर वो ग्राउंड ठीक टाइम पे तैयार ना होता, जब उससे पहले वाले मैचेस नहीं ठीक से नहीं होते, तो उसका इस टूर्नामेंट पूरी तरह खत्म हो चुका था। तो बिल्कुल, जो उन्होंने अपनी फीस भी ग्राउंड स्टाफ को दी है और बीसीसीआई ने $50,000 को दिए हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए, और बीसीसीआई एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दिए हैं,
तो ये बहुत अच्छा जेस्टर है और ये दिखाता है कि जो स्पोर्ट्समैन है उसको पता है कि निचले लेवल का जो है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है इस गेम को तैयार करने, चाहे क्यूरेटर्स हो, ग्राउंड स्टाफ हो, ग्रास काटने वाले हो, या कुछ इस लिहाज से बहुत बड़ा ये जेस्टर था उनका। राकेश राम, ये जो परफॉर्मेंस थी उनकी, ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए किस तरह से काम करती है, स्पेशली जब हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं अब? देखिए कॉन्फिडेंस तो पूरा गेम ही, देखिए किसी भी खिलाड़ी को आप देखिए परफॉर्मेंस आता है कॉन्फिडेंस लेवल जब ऊपर होता है, पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो स्ट्रगल करता है। एबिलिटीज है जितनी भी हो उसके पास, उसमें उसमें अगर वो भरोसा है अपने अपनी जो भी उसका जो आर्ट कला जो उसके पास जो ऊपर वाले ने दी है उसको परफॉर्म करना हो ऑप्टिमम लेवल पे तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। और सिराज में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कॉन्फिडेंस की कमी है। हाँ ये जरूर है कि वो उनकी जो सोच है शायद एज अ बॉलर अभी उसको और भी रिफाइन होना है, क्योंकि हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा था कि जब उनको कोई फास्ट बॉलर है तो चलिए ये भी है कि कोई 4 या 6 मार दे तो इमीडिएटली अगली बॉल बहुत एग्रेशन के साथ डालते हैं, और करेक्ट ऐसे और ऊपर की लेवल पे अगर आप देखेंगे तो बैट्समैन तैयार होता है इसके लिए कि उसे पता है अगली बॉल कहाँ आ रही है और एक और चौका या एक और छक्का जरूर खाता है। तो चक्कर ये है कि इसके साथ सिराज को थोड़ा सा टोन डाउन होना पड़ेगा जब उसका वक्त अच्छा नहीं है। कल तो सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ मैं बॉल को मैं अंदर तो लाता ही हूँ, सबको खैर उसको मालूम था, कल उसको आउट स्विंगर पे भी विकेट मिला, इन स्विंगर उसके बाद जो उसने जो डाला है देखिए कितना बेहतरीन था, वो मैं कह रहा हूँ कि वो कॉन्फिडेंस की बात है कि उसको लग रहा है कि आज मेरा दिन। लेकिन आपने जैसे पूछा कि वर्ल्ड कप से पहले ये जिस 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 वक्त आया है, अभी ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इनके 3 मैचेस हैं, वर्ल्ड कप है, मेरी राय में ये है कि हम ये ना सोचें कि अभी सिराज पीक कर गया है अपना। अगर ये पीक कर गया इट्स बैड न्यूज, क्योंकि पीक आपको करना है नॉकआउट मैच में आके, क्योंकि पिछले 2 वर्ल्ड कप में हमने देख लिया लीग फेज में इंडिया बेहतरीन खेलता है। मुझे याद है 2015 का जो वर्ल्ड कप था, हमने 7 मैचेस जो खेले थे 7 की 7ों टीम को ऑल आउट किया, लेकिन हुआ क्या, हम जब सेमीफाइनल में आए तो हार गए। तो ये है कि अगर आपको पीक करना है आपके बैट्समैन को, आपके बॉलर्स को, तो नॉकआउट मैचेस में आप आके पीक करें और उससे पहले तक ये जो कॉन्फिडेंस है इसको लेके चले। लेकिन मतलब हम लोगों का यहाँ बैठ के ये कहना बड़ा इजी है कि आप इस वक्त पीक करें, पीक कब आता है वो तो खैर यू नो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि सिराज का ये जो कॉन्फिडेंस है मैच बाय मैच, क्योंकि कुछ मैच वो भी होंगे जो इनको जगह खाली करनी पड़ेगी शमी के लिए, क्योंकि शमी को भी आपने रखा है, उसको भी तैयार करके रखना है आपको बिल्कुल रेडी कंडीशन में, क्योंकि अभी उनको कुछ मैचेस मिले नहीं है, और शमी भी वो है जो स्टंप्स पे अटैक करते हैं। तो सिराज का जो अगर कोई ये उनको डाउट था कि शायद मेरी जगह शमी आ जाए, उन्होंने वो अभी फिलहाल तो उस पूरे डिबेट को उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। बिल्कुल, शमी की जगह जो है वो अभी खतरे में है इनके परफॉर्मेंस के बाद। जसविंदर जी, मैं उस ओवर के बारे में बात करना चाहता हूं, वो ओवर जो 4th ओवर उन्होंने डाला, आपका सबसे फेवरेट विकेट कौन सा था उसमें? देखिए अगर आप पहला उनका पहला ओवर ही देखेंगे, पहले ओवर में जो शुरुआत उनकी अच्छी थी कि 4 एजेस कुशाल मंडल के ऑलमोस्ट स्लिप की तरफ जा रहे थे, लेकिन अगर आप देखें जो उन्होंने बोल्ड मारा, दो एक लेग बिफोर लिया, आई थिंक उनकी सबसे अच्छी डिलीवरी थी जो अंदर आई और एक बाहर निकली बॉल, देखिए उन्होंने पूरा का पूरा खोल दिया उसको, चारों के चारों, एक्चुअली चारों के विकेट बहुत बेहतरीन विकेट थी उनकी। एक्चुअली वो ओवर उनका पूरा का पूरा उनका ओवर जो था वो पूरा एक बोला, वो जैसे राकेश ने बोला उनका दिन था और वो ओवर पूरा का पूरा उनको उन्होंने पूरा श्रीलंकन बैटिंग को खोल के रख दिया। बिल्कुल, मैं राकेश राव आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से सिराज के बारे में बातें हुई हैं, उनको वन सीजन वंडर बोला गया है, कई बार वो ट्रोल किए गए हैं, एक प्लेयर के लिए मेंटली कितना स्ट्रांग होना पड़ता है इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके आप पिच पे उतरे और उसके बाद फिर वो परफॉर्मेंस दें? एक चीज जो सिराज के फेवर में जाती है और मेरा ऐसा ही मानना है कि आप कॉन्शियसली और आपके पास चॉइस ना हो, दो दो सिचुएशन से आप सोशल मीडिया से दूर रहें, पहली बात। उसमें हर एक का जिसका अकाउंट है उसका एक ओपिनियन भी है, अब आप सबके ओपिनियन को आप सीरियसली नहीं ले सकते, और उसके ऊपर हम मीडिया वाले बोल रहे हैं कि साहब वो ट्रोल कर रहा है। अरे कौन कौन ट्रोल कर रहा है, जो बोलने वाला है उनको क्या हक है उनके ऊपर बोलने का, जस्ट बिकॉज आई हैव एन अकाउंट उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको कुछ भी लिख। तो ये जो अनड्यू क्रिटिसिज्म होगा, या मान लीजिए कई बार फेयर क्रिटिसिज्म भी होता है,
आप उससे दूर रहें, क्योंकि आपको आपका जो प्रोसेस है, आपकी जो अपनी मेहनत पर जो आपको भरोसा है, जो इतने सालों की मेहनत है, जब आपके पास रिजल्ट नहीं आए, जब किसी ने नहीं देखा, आप अकेले 10-10 ओवर डाल रहे हैं, दो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, सिर्फ दो लोग, और आप सिवाय मेहनत के और कुछ नहीं कर रहे हैं, उम्मीद में है कि मौका मिलेगा तो मैं पिछला जो अपॉर्चुनिटी मिली थी मैं उससे भी मैं अच्छा करूंगा, ये जो स्टेट होता है आपका, पहली बार तो आपको शट ऑफ करना पड़ेगा बिल्कुल। बाकी ये जो शोर है मीडिया का जो, और स्पेशली सोशल मीडिया की जो ट्रोलिंग है, उससे भगवान करे कि ये थोड़ा दूर रहे, और उससे उनका जो पीस मिलेगा उससे वो पूरा फोकस कर सकते हैं, और वो डाइवर्ट नहीं हो सकते हैं कि देखिए साहब मुझे इतने लोगों ने और मुझे इतने लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं। ये चीज से तो मैं मानता हूं कि अभी जैसे विराट कोहली वगैरह हैं, ये कॉन्शियसली हट जाते हैं, इनके पास वो, इन्होंने अपने माइंड को इतना ट्रेन किया हुआ है कि वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। सिराज अभी उस स्टेट में नहीं है, मगर ये दूसरी तरह से अच्छा यही है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नहीं है। उनका एक चीज मुझे अच्छा लगता है कि कोई और उनके लिए, जो भी जैसे एजेंट वगैरह है, जो टीम है, वो आजकल उनको लिए तो भी पोस्ट डालती है। लेकिन इस इंसान को देखिए, सीधा साधा इंसान, सीधी साधी स्ट्रैटेजी, बिल्कुल सोच इतनी साफ है और इतनी मतलब अच्छी लगती है मुझे, मतलब जैसे ये बोलता है ये इंसान, जैसे ये परफॉर्म करता है, और वैसे ही जिंदगी भी जीता है। और कल जो इसने जो बिल्कुल सटीक बात कही आपने राकेश राव, और मोहम्मद सिराज की कहानी जो है वो सिर्फ एक क्रिकेट की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे जीवन की कहानी है। जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उन सबको किस तरह से पार करके आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस लौट रहे हैं।